असलकम वबरकु अलहमदुल्लबिलमीन वलाआबतुलम्तिन वसलाम अला रसूल करीम वाली वसाहबी अजमाइीन अम्माबाद मौदू है सिलामी सामा कराम हमारे भाइयों बुज़ुर्गों और माओ और बहनों क्या आप अपने लिए ये पसंद करते हैं कि आपकी रोज़ी रोटी में बढ़ोतरी और इजाफा कर दिया जाए क्या आप अपने लिए ये पसंद करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपकी उम्र बढ़ा दे यकीनन आपका जवाब यही होगा क्यों नहीं हम अपने रिस्क में बढ़ो हम अपने रिस्क में बढ़ोतरी चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारी उम्र तवील दराज और लंबी कर दी जाए तो आइए सुनिए एक हदीस जो मुतफ़ अलैहि रिवायत है सही बुखारी और सही मुस्लिम के हवाले से मैं बयान कर रहा हूँ अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा अबू फ़ी रिहुफ़ी अथरी यसील रहमा जो शख्स ये चाहता है ये पसंद करता है कि उसके रिस्क को कुशादा कर दिया जाए और उसकी उम्र बढ़ा दी जाए तो वो सिला रहमी करे रिश्ते और नाते को जोड़े रखे कितना प्यारा अमल है जिसका अंजाम और बदला कितना अच्छा है कि हमारे रिश्त में अल्लाह ताला इजाफा फरमा दे हमारी उम्र बढ़ा दे हर एक की ख्वाहिश और हर एक की तमन्ना इन दोनों चीज़ों की होती है तो कमी किस बात की है हम अपने रिश्तेदारियों को सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए सब्र तमल करते हुए अपनी रिश्तेदारियों को चाहे वो माँ के ताल्लुक से माँ के ताल्लुक से रिश्ता हो या बाप के ताल्लुक से रिश्ता हो हम अपने भाई बहनों से और अपने रिश्तेदारों से तालुकात उस्तुवार और बराक बरकरार रखें और उनके साथ रिश्ते और नाते जोड़े रखें सिला रहमी करें हदिया तोहफा देकर कर करके उनके दुख दर्द में काम आ कर के उनके खुशियों में शरीक होकर उनके दिलों में ख़ुशियाँ दाखिल करके वगैरह वगैरह जो भी अंदाज हो सकता है उन सारे अंदाज को अख्तियार करके हम सिला रहमी करें क्योंकि जो शख्स रिश्ते और नाते को बिना किसी गैर शरा उज़र के काट देगा या काटने का सबब बनेगा अल्लाह ताला उसे काट देगा आज समाज के अंदर अक्सर ये बात शिद्दत के साथ महसूस की जाती है कि हमारा और आपका मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि अगर कोई रिश्तेदार हमसे जुड़ता है तब बदले में हम उससे जुड़ते हैं लेकिन अगर कोई हमारा रिश्तेदार हमसे कट जाए तो हम भी उससे कट जाते हैं इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम की तालीम है कि ये रिश्ता नाता जोड़ना नहीं है कि जब तुम्हारा रिश्तेदार तुमसे जुड़े तो तुम उससे जुड़े रहो और जब कट जाए तो तुम कट जाओ ये तो बदला हो गया अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिलमकाफी बदले में रिश्ते नाते को जोड़ने वाला वाला शख्स रिश्ते नाते का जोड़ना जोड़ने वाला नहीं वाला लेकिन रिश्ते और नाते को जोड़ने वाला वो है कि जब रिश्ता कट जाए सामने वाला रिश्ता या नाता काट ले तब भी तुम उससे जुड़ो रब्लमीन से दुआ है कि रबालमीन तो हमें तोफ़ी अता फरमा कि हम रिश्ते और नाते को शरयी मिजाज के मुताबिक जोड़े रखें और शरी मिजाज के मुताबिक दोस्तियाँ करें और दुश्मनियाँ या नफ़रतें करें और रिश्ते और नाते न ना काटने रिश्ते और नाते काटने से बचा और किसी के रिश्ते और नाते के काटने का सबब ना बना آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته